सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक परचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुनिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और धजा विराजे कांधे गूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि रंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए से जीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल धिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा मरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंधी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो रुत्वा द्यातिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यदभूतं यच्च भव्यं उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायां च पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्ध्वा उदेत्पुरुष पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामसाशनानशने अभि तस्माद्विराजायत विराजोऽधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि राज्यं ग्रीष्म इदम शरद्दवि तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रत तेन देवा आयजन्त साध्यारुषयश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः संमृतं पृषराज्यं पशूनां चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः वृषः सामानि जग्निरे छन्दासि जग्निरे तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन एकेशो भयादत गावो अजग्निरे तस्माद्दशमाजाता अजावय यत्पुरुषं यदादु कतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावुरुपादाहुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्य कृतः कुरु तदस्य यदवेश पदव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्र शाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या
आसिदन्तरिक्षम् शिष्णो द्योसमवर्तत पदव्याम् भूमिर्दिश श्रोता तथा लोकाः अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिदयस्त्रि सप्तसमिद कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वान अवदनन् पुरुषम् पशुम् यज्ञेन यज्ञ मायजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानस्स चन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ की पावन भूमि के इतिहास में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसके रचयिता हैं परम श्रद्धेय मुरारी बापू। हम सभी सौभाग्यशाली हैं इस विलक्षण अवसर का साक्षी बनने के लिए। इस हेतु श्री बापू के सम्मान अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आयोजक सुरभि शोध संस्थान के संरक्षक प्रखर राष्ट्रीय चिंतक आदरणीय श्री गोविंदाचार्य जी से कि वे हम सब की ओर से बापू का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री गोविंदाचार्य जी हमारे बीच उदासीन कार्ष्णी आश्रम रमण देती वृंदावन के महामंडलेश्वर पूज्य गुरु श्री शरणानंद जी कृपापूर्वक पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सुरभि शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री राकेश रस्तोगी जी को कि कृपया आए और हम सब की ओर से उन्हें माल्यार्पण कर हम सबका सम्मान बढ़ाएं। श्री राकेश जी और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हमारे बापू के सम्मान के क्रम में हमारे पास हमारे साथ बहुत से सम्मानित लोग हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव मूलगंधकुटी विहाराधिपति पी शिवली थेरो जी जिनके अप्रतिम सहयोग से आज ये आयोजन यहाँ संभव हो पा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा श्री अखिलेश खेमका जी से कि पहले उनका माल्यार्पण कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। और हमारे बीच काशी नरेश उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं अपने ही इस समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री पवन अग्रवाल जी से कि कृपया हम सब की ओर से उन्हें माल्यार्पण कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। हर हर महादेव। अब बापू के श्री चरणों में अपना सम्मान प्रदर्शित करने हेतु उपस्थित हो रहे हैं सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव मूलगंधकुटी विहाराधिपति पी शिवली थेरो जी से भंते पी शिवली थेरो जी से कि वे बापू के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करें। इस आयोजन को सार्थक बनाया छोटे भंते श्री चंदिमा जी ने, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया हम सब की ओर से सारनाथ बौद्ध विहार की ओर से बापू का अभिनंदन कर हमें कृतार्थ करें। हमारे बीच विधायक उदयलाल मौर्य जी के परिवार से श्री मधुकर मौर्य जी उपस्थित हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आज उनके सहयोग से आज हम यहां पर आयोजन को मूर्त रूप दे पा रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें कि बापू को माल्यार्पण कर।
महाबोधि इंटर कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय श्री वेणी माधव जी, आपसे अनुरोध कृपया। श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री भरत सराफ जी और श्री सज्जन सिंह जी से अनुरोध है, कृपया समिति की ओर से बापू को माल्यार्पण करें। इस 9 दिवसीय रामकथा के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित हैं भंते शिवली पी शिवली थेरो जी, महामंडलेश्वर आदरणीय गुरु शरणानंद जी और काशी नरेश कुमंत अनंत नारायण सिंह जी। आपसे अनुरोध, कृपया इस 9 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन कर करें। पवित्र पावन माँ गंगा के श्री चरणों में स्थित मंदिरों की राजधानी, महात्माओं एवं विद्वानों की नगरी काशी, जिसे देश की सांस्कृतिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, जिसके कण कण में शंकर हैं कि पावन धरती के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बौद्ध धर्म की उद्गम स्थली सारनाथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोधगया बिहार में ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपने प्रथम 5 शिष्यों को इसी जगह हिरण उद्यान में पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसका उल्लेख धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में मिलता है। अर्थात बौद्ध धर्म की नींव सारनाथ में ही पड़ी। सारनाथ भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सारनाथ का उल्लेख ऋषिपत्तन, धर्मपत्तन, मृगदाव, मृगदाय के रूप में होता है, किंतु सारनाथ नाम सारंगनाथ महादेव, जिनकी छत्र छाया में हम सभी यहां उपस्थित हैं, के नाम पर पड़ा। यह जैन तीर्थ भी है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुरी कहा गया है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्री श्रेयांसनाथ जी का जन्म सिंहपुरी में अर्थात यहीं हुआ था। सारंगनाथ महादेव का मंदिर, जिसका सानिध्य लाभ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है या जनश्रुति है कि सावन के महीने में भगवान शंकर खुद स्वयं इस मंदिर में पधारते हैं। आज ऐसे अनूठे पावन स्थल पर रामकथा रूपी महायज्ञ का दुर्लभ आयोजन, और इस महायज्ञ में मुख्य पुरोहित स्वयं परम पूज्य संत शिरोमणि मुरारी बापू। वाकई हम सब उपस्थित जन अत्यंत गदगद हैं अपने सौभाग्य पर कि हमें ऐसे दुर्लभ समागम का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह दुर्लभ संयोग बनने का संपूर्ण श्रेय श्रद्धेय मुरारी बापू और मूल गंध कुटी विहाराधिपति महाबुद्धि सोसाइटी के संयुक्त सचिव भंते पी शिवली थेरो जी को जाता है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, बिल्कुल कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, बिल्कुल उसी तरह बापू ने हमें स्वयं यह कथा रूपी प्रसाद दिया है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति धर्मोपदेश का यह 2600वां साल है। बापू ने कहा कि भगवान बुद्ध की चेतना को कथा सुनानी है, और सारनाथ जो भगवान बुद्ध की चेतना से पग पग पर रचा बसा है, से श्रेष्ठ स्थान कोई हो ही नहीं सकता। श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के सदस्यों ने इस आयोजन के उद्देश्य से
महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रबंधन से मिलने का प्रयत्न प्रारंभ किया। महाबोधि समाज एक दक्षिण एशियाई बौद्ध समाज है जिसकी स्थापना श्रीलंका के बौद्ध धर्म के अनुयायी अनागरिक धर्मपाल ने की थी। उनके व इस सोसाइटी के अथक प्रयासों से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सका और बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर में बौद्ध धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना हो सकी। मूल गंगकुटी विहार का निर्माण 1931 में हुआ। जब समिति के सदस्य इस उद्देश्य से सारनाथ आए तो उन्होंने पाया कि मूल गंगकुटी विहाराधिपति महाबोधि सोसाइटी के संयुक्त सचिव भंते पी शिवली थेरू जी भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे साधनारत बैठे हैं। अत्यंत ही सहज, सरल और साधु स्वभाव के भंते शिवली थेरू जी ने पहली ही मुलाकात में अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ गदगद भाव से इस आयोजन हेतु अपना संपूर्ण सहयोग देने की स्वीकृति के साथ कथा एवं संबंधित व्यवस्थाओं हेतु संस्था की समस्त जगह उपयोग में लाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कथा हेतु मूल गंगकुटी विहार परिसर की इजाजत दे दी। फिर स्थान आवश्यकता अनुसार कम पड़ने के कारण हम लोगों ने यहां महाबोधि सोसाइटी की इस भूमि पर इस आयोजन को करने का निश्चय किया। प्रारंभ से लेकर आज तक चाहे कथा स्थल हो, भंडार स्थल हो, ठहरने की व्यवस्था हो, सब जगह आपका संपूर्ण समर्पित भाव से सहयोग व आशीर्वाद समिति को मिलता रहा है। छोटे भंते चंदिमा जी ने सर्वत्र स्वयं उपस्थित होकर सारी व्यवस्था में हर संभव सहयोग दिया। इस हेतु हम सभी समिति सदस्य महाबोधि सोसाइटी परिवार के अत्यंत अत्यंत आभारी हैं। और आगे उद्बोधन का क्रम प्रारंभ होने के पूर्व वैदिक मंगलाचरण के लिए हमारे बीच विद्वान उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंगलाचरण प्रारंभ करें ताकि उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो। ॐ यच्छिद्धिते हिते देहि ते विशो विशस्ते हि ते विशः ते विशो यथा यथा विशस्ते ते विशो यथा विशो यथा यथा विशो विशो यथा प्रप्रयथा विशो विशो यथा प्रा यथा प्रप्रयथा यथा प्रदेव देव प्रयथा यथा प्रदेव प्रदेव देव प्रप्रदेव वरुण वरुण देव प्रप्रदेव वरुण देव वरुण वरुण देव देव वरुण व्रतम व्रतम वरुण देव देव वरुण व्रतम वरुण व्रतम व्रतम वरुण वरुण व्रतम व्रतमिति व्रतम मिनीमसि द्यविद्य विद्य विद्य विमिनीमसि मिनीमसि द्यविद्यवि द्यविद्यवि द्यद्यवि द्यवि छेदमिदं च छेदं वरुण वरुणेदं च छेदं वरुण इदं वरुण वरुणेदमिदं वरुण दैव्ये दैव्ये वरुणेदमिदं वरुण दैव्ये वरुण दैव्ये दैव्ये वरुण वरुण दैव्ये जने जने दैव्ये वरुण वरुण दैव्ये जने दैव्ये जने जने दैव्ये दैव्ये जने भिद्रोहम भिद्रोहं जने दैव्ये दैव्ये जने भिद्रोहम जने भिद्रोहम भिद्रोहं जने जने भिद्रोहम मनुष्या मनुष्या अभिद्रोहं जने जने भिद्रोहम मनुष्या अभिद्रोहम मनुष्या मनुष्या अभिद्रोहम अभिद्रोहम मनुष्याश्चरामसि चरामसि मनुष्या अभिद्रोहम अभिद्रोहम मनुष्याश्चरामसि अभिद्रोहमित्यभिद्रोहम मनुष्याश्चरामसि चरामसि मनुष्या मनुष्याश्चरामसि चरामसीति चरामसि
अचित्ते यद्यद चित्यचित्ते यत्तवतव यद चित्यचित्ते यत्तवा यत्तवतव यत्यत्तव धर्मा धर्मा तव यत्यत्तव धर्मा तव धर्मा धर्मा तव तव धर्मायो पिम धर्मा तव तव धर्मायो पिम धर्मा जोपि मजो पिम धर्मा धर्मा जो पिम मामा जो पिम धर्मा धर्मा जो पिम मा जो पिम मामा जो पिम जो पिम मानो नो मा जो पिम जो पिम माना मानो नो मामा नस्तस्मात् तस्मात् नो मामा नस्तस्मात् तस्मादेन सो देव देवी न धत्तस्मात् तस्मादेन सो देव हेन सो देव देवी न धेन सो देवरीरिशो रीरिशो देवी न धेन सो देवरीरिषः देवरीरिषो रीरिषो देव देवरीरिषः रीरिषरीरिषः कितवासो यद्यत् कितवासः कितवासो यद्रिरिपुरिरिपुर्यत् कितवासः कितवासो यद्रिरिपुः यद्रिरिपुरिरिपुर्यद्यत्रिरिपुर्ननरिरिपुर्यद्यत्रिरिपुर्ना दीवि दीवि नरिरिपुरिरिपुर्ना दीवि न दीवि दीवि न दीवि यद्यद्दीवि न दीवियते दीवि यद्यद्दीवि दीवियद्वा वा यद्दीवि दीवियद्वा यद्वा वा यद्यद्वा खग वा यद्यद्वा घ वा खग वा वा घ सत्यगुं सत्यं घ वा वा घ सत्यं घ सत्यगुं सत्यं घ सत्यमुतो सत्यं घ सत्यमुत सत्यमुतोत सत्यगुं सत्यमुत यद्यदुत सत्यगुं सत्यमुतयते उत यद्यदुतोत यन्नन यद्धुतोत यन्न यन्नन यद्यन्न विद्म विद्मन यद्यन्न विद्म न विद्म विद्मन न विद्म विद्मेति विद्म सर्वाताता सर्वा सर्वाता विविता सर्वा सर्वाता वे ता विविताता विश्वस्य विदाता विश्व विश्वस्य विविश्य शिथिरा शिथिरा सविश्य शिथिरा सशिथिरा शिथिरा स्यस्य शिथिरेवेव शिथिरा स्यस्य शिथिरेव शिथिरेवेव शिथिरा शिथिरेव देव देवेव शिथिरा शिथिरेव देव इव देव देवेवेव देवाथाथ देवेवेव देवाथा देवाथाथ देव देवाथा ते ते अथ देव देवाथा ते अथा ते ते अथाथा ते श्याम श्याम ते अथाथा ते श्याम ते श्याम श्याम ते श्याम वरुण वरुण श्याम ते श्याम वरुण श्याम वरुण वरुण श्याम श्याम वरुण प्रियास प्रियासो वरुण श्याम श्याम वरुण प्रियास वरुण प्रियास प्रियासो वरुण वरुण प्रियास प्रियास एते प्रियास सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवते महान् भवते प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चते न महान् कीर्त्या वेदों की हर प्रार्थना में तेजस्विता भरी हुई है। आज हम रामकथा रूपी यज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है और यज्ञ में अगर वेदों की ऋचाएं यज्ञ मंडप में यदि गूंजे तो उसकी पवित्रता और पावनता का क्या कहना। हमारे बीच सारनाथ के अत्यंत ही प्राचीन मठ प्राचीन मंदिर बर्मा से पधारे बर्मा के बड़े भंते जी आदरणीय पूज्य वन्य ध्वज विहाराधिपति जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं श्री भगीरथ जालान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी समिति की ओर से हमारे आयोजन समिति की ओर से उनका माल्यार्पण कर हम सबका मान बढ़ाएं। श्री भगीरथ जालान जी।
और अब मैं बड़े भंते पूज्य वन ध्वज विहाराधिपति जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय बापू का के प्रति सम्मान अपना सम्मान प्रस्तुत करें माल्यार्पण के द्वारा। महाबोधि इंटर कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय श्री वेणी माधव जी भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया बापू को माल्यार्पण कर इंटर कॉलेज के समस्त अध्यापकों प्राध्यापकों विद्यार्थियों की ओर से सम्मान प्रदर्शित करें। इस पावन अवसर पर उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वादर अभिनंदन स्वागत करते हुए इस विशिष्ट अवसर पर आशीर्वचन के दो शब्दों हेतु मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वृंदावन से पधारे रमण रेति के मंडलाधीश मंडलार्ज आदरणीय श्री गुरु शरणानंद जी। आपसे विनम्र निवेदन कि कृपया दो शब्दों में उपस्थित जन समुदाय और हम सबको आशीर्वचन दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। समय कम है, साथ साथ जिनको बोलना है बोल सकते हैं। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए अवध बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री अवध बिहारी भगवान की, श्री बुद्ध भगवान की, राम कथा महोत्सव की, पूज्य बापू की, समस्त उपस्थित संतों महापुरुषों की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। उद्घोषक महोदय ने कहा कि बापू ने कृपा करके ये कथा स्वयं प्रदान की है, तो ये कौन सी नई बात है भाई? मसूने ओछे माई डियर, माता के जब स्तन में दूध भर जाता है ना तो अपने बच्चों को ढूंढती फिरती है, तो इसलिए अच्छा बताओ कहां बोध गया और ये कहां ये सारनाथ। मेरे पांच प्यारे प्यारे बच्चे जो किसी समय मुझसे भटक गए हैं, प्रभु अत्यंत करुणा कर यहां पधारे इस सारनाथ में और कृपा करके धर्म चक्र प्रवर्तन की। करुणा अवतार, करुणा स्वरूप भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में से है। कई लोग कुछ भ्रांत धारणाएं स्थापित करने में प्रसन्न होते हैं। हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, और एक बड़े गौरव की बात है कि हाँ
प्रसिद्ध महापुरुष लोगों की उपस्थिति है, इसलिए कहने में कुछ संकोच नहीं है। हमको समझ में नहीं आया अब तक विद्यार्थी काल से और अब तक कि बुद्ध धर्म में, तथाकथित बुद्ध धर्म में और औपनिषद आर्य धर्म में कहां भेद होता है, अब तक मुझे समझ में नहीं आया। जो भेद है वो तो अन्यत्र जो अपने को बौद्ध न कह करके हिंदू धर्म की ही एक महावृक्ष की शाखाएं कहते उनमें भी उपस्थित है। अब चूंकि कथा मंदाकिनी में प्रवेश करना है और क्योंकि यहां ऐसे स्थल पर बैठते हैं जहां औपनिषद नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत की चर्चा हम सुनने जा रहे हैं, तो वहां आप ये देख लें कि ये कथा यहां क्यों हो रही है। कहां पर भी औपनिषद धर्म या औपनिषद व्यवस्था और भगवान बुद्ध की व्यवस्था में कहां भेद है हमको समझ में आता नहीं। यदि चार आर्य सत्य भगवान ने बताए हैं दुख समुदाय इत्यादि, तो वो चार आर्य से तो औपनिषद मार्ग में भी विहित है, निर्दिष्ट है। अगर प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा की जाए, जिसको पाली भाषा में पाटिच्य समुत्पादो कहते हैं, तो प्रतीत समुत्पाद क्या है, ये बौद्ध धर्म के द्वारा बताए गए पंचशील क्या है, कहीं पर भी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपैग्रह के स्थान पर वहां मादक वस्तुओं इत्यादि का सेवन का विरोध किया, निषेध किया गया, कहीं अंतर नहीं। भिक्षुओं के लिए जो अलग पंचशील बताए गए हैं वो पंचशील में भी यही स्थिति है, माल्यादि का धारण नहीं करना चाहिए, ये हम लोग भी करते हैं। प्रतीत समुत्पाद जिसकी भगवान बुद्ध को उस बोधि वृक्ष के नीचे अवधारणा हुई, प्रकट हुआ, उस सर्वथा एक अनुलोम विधि से और प्रतिलोम विधि से देखा जाए तो वो उपनिषद ही मार्ग है। यदि कुछ कहते हैं कि भगवान ने वेद का विरोध किया, हमको बुद्ध वचनों में कहीं वेद विरोध का एक भी शब्द नहीं मिला। हाँ, अगर थोड़ा कहीं मतभेद दिखाई पड़ता है तो ये तो मतभेद अगर हमारे उपनिषद धर्मों में भी है, मीमांसक नैयायिक और सांख्य वेदांत ये सब आपस में जब शास्त्रार्थ करते हैं तो आप लोग देखो शास्त्रार्थ की जगह कभी कभी तो शस्त्रार्थ की नौबत आ जाती है, हम उसके स्वयं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। और ये बात बौद्ध धर्म में भी हुई, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद केवल कुछ सप्ताह के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई और वहीं पर भी कुछ विरोध सामने आ गए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वाद ये तो हमारे यहां बुद्धि का ये जैसा जैसा अधिकारी वो उस तरह ग्रहण करता है। 100 वर्ष के बाद पुनः जब लगभग 100 वर्ष के बाद पुनः राजगृह में बौद्ध संगीति हुई तो वहां पर भी कुछ, अब हम उनका इतिहास से चर्चा नहीं करना चाहते, हम केवल इस बात के पोषण के लिए उदाहरण दे रहे हैं। इसके अनंतर अशोक के समय में संगीति हुई, हमारे लंका में भी बौद्ध संगीति हुई, अब वहां से थेरवाद और ये सब के सब, ये सब विद्वानों की चर्चा के विषय हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये बुद्धि का नानात्व ये शोभा है, ये तो अधिकारी के रुचि नाम वैचित्र्य हमारे यहां कही गए हैं पुष्पदंताचार्य, तो रुचि नाम वैचित्र्य, तो अपनी रुचि वैचित्र के अनुसार, अपने अंतःकरण के अधिकार के अनुसार अपनी साधना के मार्ग का दर्शन करना। और भगवान बुद्ध भी इस विषय में सबको अनुभूति देते, आत्मदीपो भव, हमारे वही वचन मानो जो तुमको समझ में आते नहीं आते उनको मत मानो, ऐसा प्रैक्टिकल महापुरुष अद्भुत। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने जैसे इतने बड़े संगीत के विद्वान, संस्कृत के विद्वान होते हुए, संगीत के भी विद्वान थे ये भी बात सही, मैं बता देता हूं आप लोगों जो मैं जानता हूं, लेकिन इतने बड़े संस्कृत के विद्वान होते हुए यदि ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया तो इसलिए कि हमारे इस मंदाकिनी से बहुत लोग लाभान्वित हो सके, इसलिए उन्होंने लौकिक भाषा का प्रयोग किया। वो चाहते संस्कृत भाषा में कर सकते थे,
बल्कि काशी के विद्वान अब से लगभग 50 वर्ष तक इतने निकट तक, ये तो हिंदी का ग्रंथ है, मैंने शांतम पाए कुछ लोगों की बात। तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी अपने समय के जो प्रचलित भाषा पाली भाषा में और उनका या उस समय की जो भाषा थी पाली भाषा में भी थोड़ा पीछे का है, और जब उनके ग्रंथ संयुक्त किए गए। और एक चीज और हम आप लोगों को स्पष्ट ही कर दें, भगवान बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, सब उनके अनंतर चर्चा करके और तभी लिखे गए हैं। हम तो लंकाधिपति के कृतज्ञ हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इसको पुस्तकाकार व्यवस्थित कर दिया, और फिर क्योंकि इनको एक पिटारी में रखा जाता था इसलिए इसको पिटक कहते हैं, तो कुछ में सूत्र पिटक विनय पिटक ये सब के सब। तो इन ग्रंथों का नाम उल्लेख केवल इस दृष्टि से आपके सामने कर रहा हूं कि इनमें कहीं पर भी ये भेद नहीं है, और यदि कुछ रहा है तो उसको विचार किया जा सकता है। हम भाई भाई हैं, पुनः गले मिले, अगर हिंदू और बुद्ध धर्म के अनुयायी एक हो जाते हैं तो हम लोगों की शक्ति कितनी अधिक बढ़ जाएगी पारमार्थिक। हमको लौकिक शक्ति से कोई तात्पर्य नहीं, हमारी आध्यात्मिक और पारमार्थिक शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। बौद्ध धर्म ने उपनिषद धर्मों को बहुत अधिक आगे बढ़ाया है, उसका भी इतिहास है, आगे भी इसी प्रकार की चर्चाएं चलती रहे, इसी प्रकार प्रेम और सौमनस्य बना रहे। हमारे मतैक्य भले न हो लेकिन मनैक्य को तो होना ही चाहिए, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हमारे भगवान बुद्ध की ये करुणा भू, बड़े प्रैक्टिकल महापुरुष, बड़े निर्मल, एक ऐसा श्रेष्ठी। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ये मध्यम मार्ग का उपदेश भगवान बुद्ध का जो है ये भी कोई नवीन नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कोई नया नहीं। दोनों अंत को तजो, वीणा के तार को इतना कस मत दो कि तार टूट जाए, और इतना धीरा मत छोड़ दो कि भिट 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 का स्वर आए, बापू का स्वर अलग और तुम्हारे इस वीणा का स्वर अलग नहीं आए। मध्यम मार्ग करना, एक सृष्टि का पुत्र बहुत बड़ा संपन्न राजा जिस कंबल को नहीं खरीद पाया उसकी मां ने उसके लिए वो सबके सब कंबल खरीद के पैर पोछने के आसन बना दिए। जब वो भिक्षु उसके पैर में तलवे में भी केश निकल आए थे ऐसा वर्णन आता है, इतना वो विला माने उसकी माँ उसका ख्याल नीचे परेंग से उतरने ही नहीं देती थी। जब वो भिक्षु बना भिक्षा करने के लिए जाए तो पैदल चलने में उसके पैर से खून बहता हुआ देख के बुद्ध की करुणा जागी। बुद्ध ने कहा अब आज से मैं समस्त भिक्षुओं के लिए एक तले का जूता पहनने की अनुमति देता हूं, इसके पहले बौद्ध भिक्षु कभी जूता नहीं पहनते थे, ये उनकी करुणा। एक बार एक कोई प्यासा भगवान बुद्ध के चरणों में आया, मुझे संपत्ति प्रदान करो। आनंद ने कहा तथागत भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं, ये कुसमय है, इस समय तुम भिक्षा दीक्षा के लिए आयो। प्रभु ने कहा वत्स आनंद, इसको हमको देने दो, और वहीं धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि करके और महासंपत्ति प्रदान की। अनंत जन्मों का साधक होगा, जैसे ही प्रभु की कृपा हुई भगवान बुद्ध की करुणा बरसी वो आनंद मग्न हो गया। आनंद मग्न होकर के जा रहा था, कुछ कदम गया होगा एक सांड भागता हुआ आ रहा था, उसकी सींग उस आनंद में मस्त साधक के या सिद्ध के पेट में लग गया, तत्काल वहीं उसकी मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा वत्स, देखा हमारी भिक्षा में कुछ विलंब हुआ उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका एक जीवन और धारण करना वो बंद हो गया। तो भगवान बुद्ध बड़े करुणामय रहे, करुणा के कारण ही उन्होंने अपने शिष्यों को यहां पर उपदेश दिया, और फिर अपने शिष्यों को भी कहा कोई भी शिष्य एक दिशा में न जाए, सब दिशा में जाकर के प्यासों को पानी बांटो जाकर के। चरत भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
तो वही जो भगवान बुद्ध की करुणा थी वही आज हमारे सामने बरस रही। अब वो पीला वस्त्र पहन करके करुणा बरसती कि काली कमली ओढ़ के बरसती, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तात्पर्य तो करुणा के बरसने में है। जब भी कहीं कथा हुई है, जब भी कहीं उपदेश हुआ है, उसके मूल में वास्तविकता की बात, अन्य जो बातें उनको आप कृपा करके उसके खंडन में आप उसका उदाहरण मत दीजिए, लेकिन जहां वास्तविक करुणा बरसे है वहां कथा के रूप में प्रवाहित हुई है, चाहे भोले बाबा के रूप में हो, चाहे व्यास जी के रूप में हो, चाहे सुखदेव के रूप में हो, चाहे आदि नारायण के रूप में हो, और चाहे ब्रह्मा के रूप में हो, और चाहे बापू के रूप में हो, इसका हेतु केवल एक करुणा होती है। उस करुणा के इस दिव्य स्थल पर भगवान भोलेनाथ भी विद्यमान हैं, सांगनाथ के रूप में भगवान करुणा में बुद्ध भगवान भी यहाँ विद्यमान हैं, और करुणा में पूज्य बापू भी यहाँ विद्यमान है। इस दिव्य संगम में, इस त्रिवेणी में आप सब निमज्जन और उन्मिज्जन करेंगे, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। विश्व में भगवान बुद्ध प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने संगठित रूप से धर्म का प्रचार किया है। इसके पहले इस प्रकार से धर्म के प्रचार करने की परंपरा कहीं दृष्ट ही नहीं है। तो आप इस ऐतिहासिक स्थल पर विराजमान हैं, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मकल्याण के रूप से इस जौजल्यमान, और ये हमको काशी का उत्तर द्वार भी दिखाई पड़ता है। काशते प्रकाशते इति काशी, तो ज्ञान का द्वार भी है। और भोलेनाथ की उपासना दक्षिण की तरफ बैठ के उत्तर की ओर मुख करके करने का विधान है, वो आपको सहज उपलब्ध हो गया। परमात्मा की वस्तुतः आपके ऊपर कृपा है, जो ये करुणा गंगा में मंदाकिनी में आप निमज्जन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ के जो प्रमुख महापुरुष जिनका नाम उल्लेख किया गया उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। करुणा कर उन्होंने हमको ये अवसर दिया, उनकी कृपा से हमको यहाँ बैठने का स्थान मिला। अन्य आयोजकों को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे कि इस करुणा वर्षण में उन्होंने सहयोग करके अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। बापू को जय श्री कृष्ण, उनको कुछ तमाशों को तुम्हारे बातें सुनो। हर हर महादेव। गुरुजी ने बिल्कुल सत्य कहा, भगवान बुद्ध ने स्वचरित निर्माण एवं चित्त निरूपण विपश्यना पर आधारित मध्यम मार्ग का की स्थापना की थी, और भगवान बुद्ध की इस स्थली से मैं अब आपके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं। श्रीलंका में जन्मे, 10 वर्ष की अवस्था में ही गृहत्याग किए, अरण्य भिक्षु के रूप में थाईलैंड में फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री जंगल में रहकर साधना करने वाले मूलगंध विहाराधिपति महाबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव भंते पी शिवली थेरो जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे 2 शब्द आशीर्वचन के हमें दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा। नमस्कार। पूजनीय बापूजी और श्रद्धे उपासिका, आज इस पवित्र अवसर पे मुझे बुलाएं, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको। ये एक ऐसा मंच है जिसे करुणा, मैत्री और अहिंसा के भाईचारा के संदेश समाज को मिलेंगी, जो 2-3 दिन इस मंच से उपदेश जो वाणी मुरारी बाबू से आप
सब सुनेंगे। हमें लगता है ऐसे ही धर्म गुरु अगर एक मंच पे अलग अलग पंक्तियों से अलग अलग मत लब्धियों से एक साथ मिल जाए, इस दुनिया में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश क्या हो सकता। भारत इतिहास में एक आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता था और विश्व आध्यात्मिक गुरु अगर भारत से दुनिया को क्या दे सकते हैं, विश्व को क्या दे सकते हैं? कंप्यूटर साइंस नहीं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस नहीं, लेकिन साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता है, यही भारत के छवि, यही भारत के पहचान। इतिहास में जितने संत लोग हुए, जितने महा धर्मगुरु हुए, उन सब ने समाज को यही संदेश दिया है, करुणा, मैत्री, प्रेम, मानवता। और आज भी अगर दुनिया को मैत्री, करुणा, अहिंसा की भावना आज जितना जरूरी है या उससे ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले जो संत लोग ने उपदेश दिए हैं, आज जिस समाज के लिए हम सब एक मंच पर आने से हम लोग को ये नहीं लगता ये अलग अलग पंक्तियों से आए, अलग अलग धर्मावलंबी है, हम लोग ऐसे नहीं लगते। हमको ये लगते हैं हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। जो परिवार के सदस्य हैं, विश्व में एक मानव परिवार है, हम सब उसी मानव परिवार के सदस्य, भाई बहन हैं। और पंथ, लब्धि, विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम, भाईचारा, अहिंसा अलग अलग नहीं हो सकते। माँ की प्रेम, माँ की प्यार, माँ की करुणा, ये अलग नहीं हो सकते। या हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, लेकिन प्यार प्यार है, प्रेम प्रेम है, अहिंसा अहिंसा। इसलिए जब इस शरणार्थ स्थली में इस धर्म मंच से समाज को ये संदेश जाए, हम सब इस संसार को एक मानवता, मानव कल्याण के लिए भाईचारा बढ़ाएं और सबके दिल में नफरत की जगह पर करुणा जगे, प्रेम जगे, मैत्री भाव जगे। हम इस समाज के लिए जो आज आप देख रहे हैं समाज की स्थिति, अलग अलग नाम लेने से इस समाज को कल्याण नहीं हो सकते। मानव कल्याण तब हो सकते हैं आप दिल खोल के पास में आए, गले मिले, जैसे हमसे पहले महाराज जी ने बताए। हम लोग इस बात को अगर लिखे, हमारे पूज्य मुरारी बापू ने ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, हमें लगता है आगे आने वाले भविष्य में इससे इस समाज को बहुत बदलाव हो सकते हैं। और जब हम
भगवान बुद्ध की स्थली पर सारनाथ और भी बहुत संत इस जगह पे आए, इससे पहले भी संत आया होगा, और जो आए यहाँ से चरित भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय, बुद्ध ने उपदेश दिया है लोकानुकंपाय, भिक्षु लोग को चल पड़ो, चलते रहना लोक कल्याण के लिए। और जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि गाते हैं, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, ऐसा नहीं है हम बुद्ध के प्रतिमा के नीचे शरण जाता हूँ, ये नहीं है। अपने दिल से उठ जाओ, अपने चित्त शुद्धि करो, अपने मन को पवित्र बनाओ, यही संदेश है। और सभी धर्म गुरु ने समाज को यही सिखाया। बुद्ध ने कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानी दम पद में सम्मति दुकुदाचनं अवेरे न च सम्मति एस धम्मो सनातनो। वेर से वेर कभी नहीं जीतता, वेर प्रेम से ही जीतता, वेर मित्रता से ही जीतता, वेर प्यार से ही जीतता, ये सनातन धर्म। ये आज के 2600 वर्ष पहले भी यही थे, आज भी और आने वाले हजारों साल के बाद भी। तो विश्व कल्याण के लिए भारत धर्म गुरु और अलग अलग पंथी आगे मिलना चाहिए। भारत ही ऐसे देश है दुनिया को विश्व शांति की बात कर सकते हैं। आपके पास जो संपत्ति है, ये संपत्ति दूसरा देश में नहीं है। वो संपत्ति क्या है? महासंत जो समाज को दिया है, ये संपत्ति है प्रेम संपत्ति, वो अमूल, वो बहुमूल्य है करुणा मैत्री। इससे ज्यादा संपत्ति दुनिया को क्या चाहिए? इसलिए आशा करते हैं ये कदम बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाए और हम सब मिलके एक मानव समाज को मानवता के संदेश देने के लिए हम सब तत्पर रहें। आप सबको नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जी हाँ, भारत ने यदि संसार की अन्य संस्कृतियों पर अपनी छाप अंकित की है तो वह बुद्ध धर्म के माध्यम से। आज संसार का एक तिहाई मानस इस धर्म से प्रभावित है। आज इस स्थल पर कथा प्रारंभ के ठीक पूर्व इसका आगाज होगा बौद्ध धर्म मंत्रों के मंगलाचरण से, जिसे प्रस्तुत करने बौद्ध धर्म विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध कि हमारे इस आयोजन का की पवित्रता अपने बौद्ध धर्म के मंगलाचरण से प्रारंभ कराएं। विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तंत्राय सुखी दीर्घायुगो भवतु। सब्बमंगलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते। भवतु सब्बमंगलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते। भवतु सब्बमंगलं रक्खन्तु सब्बदेवता सब्बसंगानुभावेन सरस्वती भवन्तु ते।
अब आपके और कथा के बीच में और कोई अवरोध नहीं। वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यही फले फूले बुद्ध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। जी हाँ, और अब राम कथा का प्रारंभ आज सीता कथा से होगी। धन्यवाद। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र की जय। रघु राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव बोलो भय सब संतन, रण रंग धीरं राजी
पवित्रम् मनो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
मंगल भवन अमर
तो
परम सार जग हो
बाप, करुणामूर्ति भगवान बुद्ध की असीम करुणा से और करुणा अवतार भगवान विश्वनाथ, भगवान सारंगनाथ उसकी भी असीम कृपा से नवदिवसीय राम कथा का प्रारंभ जब हो रहा है तब करुणामूर्ति भगवान बुद्ध की परम पावनी महाचेतना को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। तदुपरांत यहाँ बौद्ध धर्म के जितने स्थान हैं, धर्मस्थान हैं, इस सभी धर्मस्थानों के पूजनीय धर्माचार्यों को भी मेरा नमन और बड़े आदर के साथ जिस महापुरुष ने इमूल गंधकुटी विहार के प्रधान पूजनीय बंते जी महाराज जो यहाँ पधारे थे उसको भी मेरा प्रणाम, साथ में आए भिक्खुओं को, अन्य ये भिक्खु गण विराजित हैं इन सबको भी मेरा प्रणाम और रमन रीति से पधारे हमारे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम, संत गणों को प्रणाम और पूरे परिवार को भगवत कथा में बहुत रुचि और श्रद्धा रही ऐसे राज परिवार के वर्तमान काशी नरेश यहाँ पधारे हैं, मैं आदर के साथ इसको भी और आप सभी मेरे भाई बहन इस पवित्र स्थान में रहने वाले सभी भाई बहनों को माँ गंगा और इस पूरे पावन सारनाथ क्षेत्र को नमन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं सोच रहा था कि लोगों ने तो ऐसा बोलना शुरू कर भी दिया था कि भगवान बुद्ध की ये पावन परम पावन महिमावंत स्थली है। मेरा भी मनोरथ था कि मैं एक बार यहाँ आकर नवदिवसीय मानस का अनुष्ठान करूं, पर ये मनोरथ आज से शुरू हो रहा है, 9 दिन में पूरा होगा, इसकी मुझे व्यक्तिगत रूप में बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा प्रसंग या कौन सी पंक्ति उठाऊं, किस विचार को केंद्र में रखकर 9 दिन गाऊं। वैसे आप सब जो मेरे श्रोता हैं अक्सर वो सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रति मेरे हृदय में एक अपार श्रद्धा और बलवती निष्ठा है, इसलिए यथावकाश मैं भगवान बुद्ध के बारे में बोलता रहा। सारनाथ में सोचा कि वैसे तो सारनाथ उद्घोषक श्री भी बता रहे थे सारनाथ के इतिहास के बारे में कुछ बातें हो रही थी, इसी पत्तन ऋषि पत्तन ये जो बहुत पुराने नाम स्थान के रहे
पाली में शायद इसी पत्तन कहते होंगे और संस्कृत में उसको ऋषि पत्तन कहा गया, कि यहां 500 भिक्खु रहते थे और ये बड़ी तपस्या करके बोधि को प्राप्त हुए थे, लेकिन धम्म उपदेश नहीं करते थे और बस इस संबोधि बोधि को प्राप्त करने में उसने अपने हाड़ मांस सब और पूरा देह गिरा दिया। इसलिए स्थान का एक काल में ऋषि पत्तन नाम भी रहा। जो मैं उसके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, सारंगनाथ तो है ही। मैं भी कल आया, पहले भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करने गया, सारंगनाथ भगवान का भी दर्शन किया। तो कहते हैं कि एक बार उसका नाम सारंगनाथ भी रहा, अब अर्वाचीन नाम वर्तमान जो नाम है स्थान का सारनाथ है। तो मैं सोच रहा था कि कोई सार वाली पंक्ति उठाऊं कि जिसको मुझे बुद्ध दर्शन का और विशेष समझने का अवसर मिले। तो दो पंक्तियों का मैंने आश्रय किया है और मैं नाम रखूंगा इस कथा का मानस सारनाथ, क्योंकि यहां जो धर्म का सार दिया गया है, ये सार यदि हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी अनाथ नहीं होंगे, सब सनाथ हो जाएंगे। ये धर्म का सार जो यहां दिया गया है, सत्य का सार जो यहां व्यक्त किया गया है, यदि हम उसको बिना राग द्वेष, बिना कोई संघर्ष किए अपनाना सीख लें, तो जीवन इन सारों से अनाथपना भूल जाएगा और सनाथपना महसूस करेगा। तो इस कथा को मैं मानस सारनाथ कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने सार शब्द वाली दो पंक्ति ऐसे ही उठा ली है। एक पंक्ति है अयोध्या कांड के समापन में, जो नित्य मानस का पाठ पारायण करते हैं वो जानते हैं, भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा कि तुम जो समझते हो, तुम जो कहते हो और तुम जो करते हो वो धर्म नहीं है, धर्म का सार है। धर्म सार जग होई सोई। और दूसरी पंक्ति का आश्रय मैंने लिया है अरण्य कांड के समापन की, संत गुणों की चर्चा में नारद जी को भगवान राम ने कहा कि संत कौन, तब का अमित बोध अनीह। साफ शब्द आप फिर बुद्ध दर्शन की ओर गति करिए साहब, सब वहां शब्द बिल्कुल सटीक अनुकूल होगा। अमित बोध अनीह मित भोगी और फिर सत्य सार कवि कोविद जोगी। मैं कोई अतिशयोक्ति किए बिना, मुझे एक पत्र मिला था, मैं यहां आया तब भी मुझे जानकारी मिली, पहले भी थोड़ी जानकारी मेरे से दी जाती थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूं भूल न जाऊं कि पूजनीय बंते जी जो पधारे थे यहां मूल गंधकुटी के, जो आपने बड़े साधु चित से इस पूरी राम कथा को आशीर्वाद दिया है, इसकी मुझे भी बड़ी खुशी है। मैं दर्शन करने गया तब भी कह रहे थे आप कि बापू ये सेतु हो जाए ये बहुत जरूरी है और ये सेतु का काम है। मैं न भूलता हूं तो श्रृंगेरी, या तो श्रृंगेरी के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जब विहार करने, या तो साउथ के वो यहां आए थे और सारनाथ में पधारे थे और शंकराचार्य और सारनाथ के
भिक्षुओं का एक बहुत सुंदर मिलन हुआ था, अखबारों में मैंने पढ़ा था, और उस समय भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी कि ये कितना प्यारा संयोग है। तो मुझे एक पत्र मिला था वाराणसी से, बनारस से, काशी से, एक पत्र मेरे हाथ में आया 3-4 दिन पहले। उसमें पूछा गया कि बापू आप काशी में कथा करते तो अच्छा, सारनाथ में आप ठीक है, सारनाथ वहाँ जाकर आप कथा गाएंगे, तो इससे बहुत आदर के साथ लिखा था, वैसी कोई बात नहीं है, आदर के साथ आपने लिखा था कि इससे आप क्या सिद्ध करेंगे, आप यदि मुझे कहीं भी सुनते रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी जीवन की यात्रा कुछ सिद्ध करने के लिए है ही नहीं, जितने हैं इससे ज्यादा शुद्ध होने के लिए ये मेरी जीवन यात्रा, हमें कोई सिद्ध, लेकिन काशी की बोली में तो सिद्ध की बात बहुत आती है ना कि सिद्ध करो सिद्ध करो, ये अपनी भाषा है, सिद्ध क्या करना है यहां, हम जीव के नाते अशुद्ध हैं, आत्मा तो सबकी शुद्ध है, लेकिन माया के प्रभाव से हम सब अशुद्ध हो जाते, संसारी लोग हम जैसे, वो यहां आकर ज्यादा थोड़ा और शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, भगवान बुद्ध की करुणा से, इसीलिए हमें आए हैं, हमें कुछ सिद्ध विद्ध करना नहीं है, वो हमारी रुचि भी नहीं और क्षमता भी नहीं, न हमारी रुचि है और न हमारी कोई औकात है, संघर्ष हमारा क्षेत्र नहीं है बाप, स्पर्धा मेरा क्षेत्र नहीं, मेरा क्षेत्र केवल केवल और केवल श्रद्धा है, आप स्पर्धा बिना राग द्वेष पैदा नहीं होती, और श्रद्धा राग द्वेष मर जाए इससे पहले पनपती नहीं, हमें क्या, हम तो यहां भगवान बुद्ध के चरणों में आए हैं, करुणा मूर्ति के चरणों में, और उसका दर्शन, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, मेरे एक आंख में 3 नंबर हो, एक में 2 नंबर हो, तो मैं ऐसा चश्मा पहनता हूं, ऐसे लेंस पहनता हूं, किसी को दूर के चश्मे, किसी को निकट के चश्मे, सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं, मैं मेरी मानस की दृष्टि लेकर भगवान बुद्ध का दर्शन करने आया हूं, इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरा, एक शेर सुना हुआ आप कहते हो तो इसके मुताबिक है, इसलिए सुना हूं, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, अपनी औकात नहीं है साहब कोई सिद्ध करना, उसको प्रेम करो, उसकी पूजा करो, इसका सार ग्रहण करो और अनाथपना मिटाओ, सारनाथ हो जाओ, यदि धर्मसार धम्मसार आ जाए हमारे जीवन में और सत्य सार आ जाए, दोनों शब्द भगवान बुद्ध के हैं, और मुझे मानस की आंख से वो शब्द दिखाई देते थे, इसलिए मैंने रास्ते से निर्णय किया गाड़ी में बैठने के बाद कि यही दोनों पंक्ति लेकर मैं मानस सारनाथ गाऊंगा, सारनाथ सार की बातें कही हैं भगवान बुद्ध, और हमारे पूज्य महाराज श्री ने ठीक कहा कि बड़े प्रैक्टिकल भगवान भगवान बुद्ध, पूर्वग्रह हो तो कोई बात जगत में बनती नहीं साहब, लेकिन सही में करुणामूर्ति भगवान बुद्ध ने जो धर्म सार धम्म पद जो दिया विश्व को, धर्म की सारांश दिया, विश्व को एक अर्क निकाल कर दे दिया, अद्भुत है। और बातों में हम क्यों जाएं, मेरे तुलसीदास जी विनय पत्रिका में भगवान बुद्ध का स्मरण बहुत पूज्य भाव से कर लेते हैं, विनय के एक पद में कि जब पाखंड जब कर्मजाल और जब मख आदि की बोलबाला होने लगी तब एक प्रागट्य हुआ एक अवतरण हुआ, ऐसा कहे बौद्धम कृपालुम कहकर विनय पत्रिका के पद में भगवान बुद्ध के चरणों में दंडवत कर लेते हैं,
ये गोस्वामी जी का भगवान बुद्ध के प्रति अपना पूज्य भाव है। तो हम तो गुरु कृपा की चरण धूली से आंख को जितनी विवेकमयी हो सके इतनी करके मानस का चश्मा लगाकर भगवान बुद्ध का दर्शन करने आए हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है। और ज्यादा थोड़ा कुछ मिल जाए तो प्रसन्नता में रहते हैं और प्रसन्नता में जिएंगे साहब, इसे कुछ सिद्ध विद्ध नहीं करना है। इसलिए दीनदयाल जी शेर सुनिए, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, अपनी औकात कोई सिद्ध करनी अपनी औकात है कि तुम ये सिद्ध करो तुम ये सिद्ध करो, इसके लिए थोड़े हम आए हैं। हम तो थोड़े और अंतःकरण थोड़ा और शुद्ध होने लगे तो प्रभु के गुणगान में हरि नाम में और मस्ती आ जाए, इसलिए आए हैं, बाकी क्या। भगवान ने सबको अपना अपना काम दिया है, वो सब अपना अपना काम करते रहते हैं, हम तो इसीलिए आए हैं। कितना अद्भुत। मैंने कल शाम को भी मैंने कहा कि ये धर्म चक्र मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध, यहाँ पर जो मुद्रा है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं, कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो शेर सुनिए, अभी बीच बीच में कुछ आएगा, शेर में देर लगेगी। तो मूल इसलिए शेर मेरे स्मरण में आया कि अपनी कहां औकात की हम कुछ ये करें ये करें, हम तो प्रभु के गुणगान गाने वाले हैं और मानस के चश्मे से गुरु कृपा के अंजन से भगवान बुद्ध का और विशेष दर्शन करने के लिए आए हैं। जो संतों से सुना कुछ पढ़ा, कुछ भिक्खुओं से सुना, कुछ ग्रंथों से सुना, हमारे आदरणीय गुणुंद भाई शाह ने एक करुणामूर्ति बुद्ध लिखा था और व्यासपीठ को समर्पित किया था वो करुणामूर्ति बुद्ध। और नगीन बापा जब मिलते हैं तो बुद्ध की कुछ चर्चा होती है, विदेश के कई भिक्खुओं ने लिखे हैं बुद्ध के ऊपर, जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत सुना है जाना है समझने की कोशिश की है, यहाँ आकर और समझने की कोशिश करेंगे और दर्शन करके अंतःकरण को और पवित्र करने की कोशिश करेंगे, बाकी सिद्ध क्या करना, शुद्ध होना। तो अब शेर आता है, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, अपनी लिमिट में रहना चाहिए बस, हमारी ये मर्यादा। व्यास बहुत विशाल है लेकिन हम कहां कुछ सिद्ध करने जाए, हम तो दर्शन करने आए। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की नजर में न आने का। ये जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। ये जमाना है जमाने की निगाहों में बहुत न आने का। जीवन ज्यादा हरि नाम से आनंदित रहे और भगवान बुद्ध के दर्शन करते करते। और हमारे पूज्य श्री ने बहुत सुंदर सप्रमाण कहा कि कहां कोई भेद है, छोड़ो। मैंने तो एक हमारे अस्मिता पर्व के समापन में हनुमान जयंती के अवसर पर मैं हनुमान जी के स्वरूप के पास खड़ा खड़ा बोलता था, मैंने कहा था कि मैं हनुमान जी की इस जो स्थिति में हनुमान जी भी, उसको मैं कभी कभी अकेला मेरे झूले पर बैठकर देखता हूं तो मुझे बुद्ध नजर आते हैं, बुद्ध ही नजर आता है मुझे, कभी महावीर भी नजर आता है मुझे, क्या आपत्ति है साहब। जहां विरोध है वहां बोध नहीं और जहां बोध है वहां कभी विरोध नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते भगवान बुद्ध के लिए ये आप देखिए समुजब, ये भरत जी के लिए बोले गए शब्द है, समुजब भगवान बुद्ध को एक ज्ञान बोध गया में उतरा। इससे पहले तो काय क्लेश करने में कोई कमी नहीं बरती भगवान बुद्ध ने, और जब लगा कि ये
एक और कायकली दो अति की बात जो भगवत गीता से आपने बताई, एक और काया को तोड़ो काय क्लेश और एक और कामोपभोग काम वासना आदि, इन दोनों से भगवान ने जो मध्यम मार्ग की चर्चा की भगवान बुद्ध ने। बिल्कुल निरंजना जो नदी के तट पर जो उसकी स्थिति थी जो उसके जीवन में बताया गया है, और फिर उसने ये छोड़ा कि नहीं काया को इतना कष्ट देने से कुछ होना संभव नहीं है, इसलिए वो निकल, तभी तो ये पांच शिष्य निकल गए थे उससे विरोध करके, ये कैसे गुरु ये कैसे बुद्ध, अब तो भोग बस तपस्या छोड़ दी, शरीर को कष्ट देना छोड़ दिया, और पांच आश्रितों के अपने मापदंड होते हैं उसके मुताबिक ही सदगुरु रहे तो ही आस्तिकों की आस्था रहती है, जरा भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो पांच क्या 500 निकल जाते हैं साहब, और ये हर काल में होता है। मुझे तो ये पांचों की बहुत दया आती थी जब मैं पहले पढ़ता था, क्या किस्मत है किसके चरणों से बिलग हुई है। और यहां जब भगवान बुद्ध आए, जो मैं उसका पूरा वो पढ़ा है मैंने, कि यहां जब भी आए तब पांचों ने सम्मान कहां किया था, निर्णय किया था पांचों ने कि हम आदर नहीं देंगे, हम कोई माला बाला नहीं पहनाएंगे, ये विलासी होकर आए हैं, उसने तपस्या और कष्ट का मार्ग त्याग दिया है, और ये तो, लेकिन चेहरे की जो रौनक थी वो तो खींचती थी, जाए तो जाए कहां, और भगवान बिल्कुल चुप। ये लोग पांच निर्णय कर रहे थे, न हम शिविर उठाएंगे, न हम उसका पात्र लेंगे, न हम वो करेंगे, न उसको प्रणाम करेंगे, कुछ नहीं। ये विरक्त बुद्ध नहीं है, ये विरागी बुद्ध नहीं है, विलासी बुद्ध है, ऐसा कह करके खड़ा रुख लिया था। लेकिन भगवान बुद्ध के पास एक फिलोसोफर गया, बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसने कहा कि तथा भगवान एक भी शब्द बोले बिना और बिना शब्द सत्य की व्याख्या करो, धर्म की व्याख्या करो, एक भी शब्द बोले, खबरदार बोले तो, एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना धर्म की व्याख्या करो, धर्म का सार बताओ। भगवान बुद्ध उसके सामने देखते रहे, थोड़े होठ हिले, हल्की सी मुस्कुराहट की, उस फिलोसोफर ने प्रणाम किया कि धर्म की व्याख्या मिल गई और चल दिया। सत्य की शब्दों में व्याख्या कैसे हो सकती है, मैं अपने ढंग से बताऊं मेरी जिम्मेवारी के साथ तो मैं इतना कह सकता हूं, आपको कोई सत्य की व्याख्या बिना शब्द समझाने की कहे, उसी समय शांत चेहरा हो, सत्य की व्याख्या हो गई। उलटता कौन है जिसको अंदर से असत्य परेशान कर रहा है, विक्षिप्त कौन होता है जिसको भीतर से कुछ तकलीफ हो जाती है। मुझे यदि कोई पूछे तो मैं ये व्याख्या कर सकता हूं मेरे जीवन विकास के लिए, कि कोई बिना शब्द सत्य की उद्घोषणा करने को कहे तो शांत चेहरा, इतने में ही सब काम हो जाता है, बाकी हाथ पग तो ठीक है, इतना जिसका संभल गया वो पार पा गया, उसको वो सार पा करके अनाथता से मुक्त हो गया। सत्य की कोई व्याख्या, यदि सत्य आपकी समझ में आया हो तो शांत रहो। वो बोले कितना भी बोले, बोलने दो, तुम शब्दों में सत्य को मत डालो। एक शेर सुनाओ दीनदयाल जी, मैं बोलता रहा और वो सुनता रहा खामोश, मैं बोलता रहा वो सुनता रहा खामोश, ऐसे ही जमाने में मेरी हार हुई है कभी कभी, ऐसे ही मैं पराजित होता गया, बोलने से पराजित हो गया और वो एक लफ्ज तक नहीं बोला और विजयी होता चला, विजयी होता चला। बुद्ध ने ये बताया है,
ये पांचों लोग जो बिल्कुल उसके विरुद्ध में रहे, आखिर में पांचों ने निर्णय किया कि हम आसन दे देंगे, फिर उसको बैठना हो तो बैठे, उठना हो तो उठे, जाना हो तो जाए, बाकी और हम कुछ नहीं। जो पहले हम पात्र उठा लेते थे, वर उठा लेते थे, आगे चलते थे, पीछे चलते थे, ये सब करते, ये सब बंद। साहब बोध गया में जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो बीच में भी कईयों को दे सकते थे, लेकिन उन पांच की खोज में निकले हैं जो भटक गए थे। सदगुरु कौन? जो भटक जाता है उसको खोजने निकले, उनका नाम सदगुरु है साहब। वो खोजते खोजते यहां उसको, और फिर आप जानते हैं कि अब पंचशील की बात आप फरमा रहे थे, तो पंचशील के जो जितने सूत्र हैं तो पतंजलि डिम डिम घोष कर रहे हैं, डिम डिम घोष। और अष्टांग की जो बात आती है, भगवान बुद्ध ने अद्भुत काम किया। मैं यथामति जो स्मरण में आएगा, मानस की चश्मा से, मानस की दृष्टि से हम और आप मिल करके विशेष कुछ दर्शन करें भगवान का, ताकि हम अंदर से ज्यादा शुद्ध हो सके। इसलिए कथा है, सिद्ध क्या करना है, थोड़े बहुत ज्यादा शुद्ध होकर एक और गंगा शुद्ध करती है, विश्वनाथ बैठा बैठा शुद्ध करता है पूरी दुनिया को, सारंगनाथ बैठा है, और यहाँ से सारनाथ से थोड़ी और शुद्धि भिक्षा में मिल जाए। हम तो बुद्ध तो भिक्षा लेते थे, मैं तो उससे भिक्षा लेने आया हूँ, हमें दो भिक्षा और पवित्रता की और शुद्धि की और मानवता की और संबोधि की, दो। बाकी यार क्या कर? नानी के आगे ननिहाल की बातें क्या करनी यार, लेकिन ये तो अपना पक्का करने के लिए बोल। तो अब शेर आता है, मैं बोलता रहा और वो सुनता रहा खामोश, ऐसे ही जमाने में मेरी हार हुई है कभी कभी, ऐसे ही मैं हारता रहा। सत्य को कैसे शब्दों में डाले, शांत चेहरा, चेहरे की एक भी रेखा ना बिगड़े, सत्य की व्याख्या मिल जाती। चेहरा एक शास्त्र है सत्य का, और कोई आपको कहे सत्य के बाद जो मैं अपने जीवन के लिए तीन सूत्र लेकर घूमता हूं, दूसरा सूत्र कोई कहे कि एक भी शब्द बोले बिना प्रेम की व्याख्या करो, उसी समय थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट कर दो, प्रेम की व्याख्या हो जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं। सहज जाग बलिक बोले मुस्काई, शब्दों की जरूरत नहीं। और कोई ये कहे कि बिना शब्द का प्रयोग किए करुणा की व्याख्या करो, तो आंख में थोड़ी सी विनाश आ जाए, करुणा की व्याख्या पर्याप्त होगी, इसके अलावा कोई व्याख्या करनी नहीं पड़ती। ये तो हम ना समझ हैं, इसलिए महापुरुषों को प्रयत्न करना पड़ता है। तो बाप भगवान बुद्ध शांत रहे, कितनी करुणा, और उसके बाद उसने जो पाया, इसलिए मैं पंक्ति उठा रहा हूं, बिल्कुल जो भरत जी के लिए भगवान वशिष्ठ जी बोले थे, इसी चश्मे से मैं भगवान बुद्ध को देखूं तो मुझे लगता कि बोध गया में जो ज्ञान प्राप्ति हुई, समझब जो समझ में आ गया, यहां आकर कहब, यहां आकर पांच भिक्षुओं को जो कहा गया, और फिर धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा पूरे संसार में करब तुम जो ही, तुम जो जो करोगे वही धर्मसार जग हो यही सोई, वही धम्म पद, वही धर्मसार, वही धर्म का रस होगा, सारांश होगा। सार शब्द तुलसीदास जी का बड़ा अद्भुत शब्द है। अब मेरी स्मृति में सार जहां जहां आएगा मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा, और भगवान बुद्ध के विशेष दर्शन। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के अंत में सार शब्द का प्रयोग किया, आरती में मानस पूरा हो गया, उसके बाद
गावत वेद पुराण अष्टदश अच्छा हो शास्त्र सब ग्रंथ मुनि जन धन संतन को सर्वस और सार अंश सम्मत सब सार अंश मानी सारा अंश धर्म का सार अंश सम क्या है कोई इसी से विरोध नहीं हमारे मजबूर साहब तो मरहूम मजबूर साहब तो कहा करते हैं कि जहां अल्लाह हो वहां अल्लाह नहीं और जहां अल्लाह है वहां अल्लाह नहीं वहां कोई कर्षण नहीं हो सकता परमात्मा आप मस्जिद में भी जाइए कितनी शांति होती है अल्लाह गुल्ला वहां नहीं होता ये अल्लाह का मंदिर है अल्लाह का मुकाम है तकरार घर्षण इसमें परमात्मा कहां रहता है सर तो उसका सारांश ये है सार शब्द तुलसी का प्यारा शब्द एहि महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सार अब देखो भाई इस संसार सार है कि असार है सारनाथ में उस पर चिंतन हो कुछ लोग कहते हैं कि संसार असार है असार इसमें कुछ नहीं कुछ लोग कहते हैं सार है भगवान बुद्ध ने बीच का मार्ग उठाया भोग भोगने वाले मानते होंगे कि सार है खुशियां हैं असार मानने वाले अपने शरीर को पीड़ा देते होंगे कि इसमें यहां क्या करना है सार अर्क मूल तत्व जो यहां समझाया गया तो बहुत सार्वभौम है अधिकतम सार्वभौम है इसमें कोई संदेह नहीं तो बाप भगवान बुद्ध ने जो पंचशील की बात कही अष्टांग की बात कही पूरा धम्म चक्र की जो चर्चा यहां हुई और पूरे संसार में ये बातें चली हम सब मिलकर के मानस की दृष्टि से मानस की पंक्तियों की ये दो पंक्ति के दो चश्मे लगा करके हम देखने की कोशिश करेंगे भगवान बुद्ध बोध गया में जो प्राप्ति हुई वो सारनाथ में वहां समुजब यहां कहब यहां कहने आए और फिर धर्मचक्र परिवर्तन के द्वारा पूरे संसार में करके दिखाया यही धर्म का सार है पूरे जगत के अंदर यही धर्म का सार प्रस्थापित और दूसरी पंक्ति संत की लक्षणों की चर्चा करते हुए भगवान राम जी बोले हैं अमित बोध कौन संत जिसके जीवन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं बोध भी कोई सीमा नहीं अमित और भगवान बुद्ध का बोध देखो साहब अमित है कोई सीमा में आबद्ध नहीं है उसका बोध भूगोल की सीमाओं को नाकते हुए कितने मुल्कों में यह बोध पहुंचा गया सभी सीमाओं को नाकते हुए भगवान बुद्ध का बोध अमित बोध उन्हें यदि इस शब्द से उसका दर्शन करे तो बिल्कुल लगता है अमित बोध अनीह इच्छा मुक्त जीवन कोई इच्छा नहीं कोई वासना नहीं कोई ईर्ष्या नहीं सब समाप्त होता गया और आदरणीय पूजनीय बंते जी भी बोल रहे थे भगवान का एक शब्द है मैत्री भगवान बुद्ध का मैत्री करुणा प्रेम के बारे में जरूर उसने अपने विचार पेश किए हैं भगवान आए दिन में जितना दर्शन कर पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैत्री
आपका, और मैत्री पतंजलि का भी शब्द है। अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि को जो सत्य का सार अमित बोध होते हुए जीवन में कोई भी इच्छा न होते हुए भी करुणावश केवल विश्व को सत्य सार समझाने की जो संतों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो यहां विशेष रूप में दिखती है। सत्य सार कवि कोई मेरे भाई बहन, इस सारनाथ के लिए इस सार शब्द को लेकर के भगवान बुद्ध का धर्म सार क्या है, उसका अर्क क्या है और मानस में कहां कहां संगति होती है, हमारी विशेष प्रसन्नता और विशेष पवित्रता के लिए यह सब अनुष्ठान है और कोई कारण इसके पीछे है? उस पत्र में तो बहुत विगत लिखी थी, और जो इसमें अच्छा मुझे बहुत लगा, मैंने यज्ञ में आहुत कर दिया, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी थी इसमें। कि किसी पितरों के तर्पण करने की बात थी तो गया जाना था, यहां क्यों आए, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं, तर्पण बर्पण हम क्या करें, इसलिए कोई ना आयोजकों को किसी का, आप किसी का तर्पण करना ना तो मेरे पास आना ही नहीं, तर्पण बर्पण का मां हम अभी डूबे जा रहे हैं, किसी का तर्पण क्या करें, कोई हेतु नहीं, केवल स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, केवल और केवल भगवान बुद्ध के द्वारा कुछ विशेष प्रेरणा प्राप्त हो इसलिए आए हैं तेरी नगरी में और रहेंगे 9 दिन जब तक है दाना पानी, तेरे मेहमान है भिक्खुओं के सम्राट तेरे पास हम काली शॉल में भिख लेने के लिए आए हैं और आप विशेष दान करें सत्य का प्रेम का करुणा का तो फिर उस झोली का प्रसाद हम कहीं और फिर बांटते चलेंगे, ये चरे वैती है, बाकी क्या सिद्ध करना। और कभी मेरे भाई बहन सत्संगियों को श्रोताओं को मेरी प्रार्थना, किसी सिद्ध करने की झंझट में पड़ना ही मत, जिंदगी कितनी है साहब, और तुम लाख सिद्ध करो तो भी तर्क जाल ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ निकाल कुछ ना कुछ, शांत रहो, मुस्कुराओ, आंख में सबके लिए आंसू रखो, सत्य प्रेम करुणा सिद्ध हो जाएगा, और क्या करना है। तो बहुत भाग्य की बात है, बहुत भगवान करुणा मूर्ति की कृपा की बात है कि हम यहाँ आया, तो हम 9 दिन आपके सामने मानस सारनाथ इस कथा का, हमारा खबर नहीं नाथ से मेरा पाला पड़ा है, सोमनाथ में भी बैठा था अभी, वैसे कथा तो मानस देहोत्सर्ग था लेकिन फिर कैलाश में भी कैलाश वाला बैठा था, इसी के साथ अभी चलता है, तो और मानस मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है, उसका भूतकालीन नाम जो अर्वाचीन नाम भी बहुत अच्छा है, सारनाथ, जीवन का सार यहां मिल जाए तो हमें नाथ मिल जाए, हम कभी भटकेंगे नहीं, एक सूत्र भी सार के रूप में आ जाए, सार अंश सम्मत सब ही की कुछ पकड़ में आ जाए तो अनाथपना हमारा मिट जाए साहब, इसीलिए हम यहाँ आए हैं तेरी नगरी में। तो इसी भाव से तो ये पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि मैं वैसे कोई जवाब देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन की बात इसने पूछी तो मुझे खुलासा करने का अवसर मिल गया। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का, भजन करना है तो इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, हरि भजो प्रभु का नाम।
तो मानस सारनाथ का आज से भगवान बुद्ध की करुणामयी कृपा से आज से और सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दिए हैं, इसी के उसमें हम आगे तो इन दो पंक्तियों का एक बार गा ले, जिसको याद है वो तो गाए ही, लेकिन जिसको मैंने बताया नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन अयोध्या कांड के आखिरी भाग में ये पहली पंक्ति है जो मैं गा रहा हूँ, और अरण्य कांड के आखिरी प्रकरण में ये दूसरी पंक्ति, जिसमें दो जगह, एक जगह धर्मसार वो मेरी दृष्टि पूरा धम्म पद दिखता है, और दूसरे सत्य सार उसमें सत्य प्रेम करुणा का विग्रह नजर आता है। इन दोनों पंक्तियों का आश्रय करके हम करुणा मूर्ति के आश्रय में आनंद करेंगे। तो आइए गाइए मेरे भाई बहन। मेरे भाई बहन, धर्म को केंद्र में रखकर हम कितने ही वाद विवाद करें, कितनी भी स्पर्धा करें, संघर्ष करें, हम किस खेत की मूली है। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि रुचि भी नहीं है बिल्कुल कभी भी जन्मजात, और क्षमता भी नहीं है कि कुछ, बाकी हम करें वो। मैं अभी दो चार दिन पहले एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा धर्म का जानने वाला महापुरुष
मरने के बाद शायद ओशो भी ऐसी कोई बात कहा करते थे जिसका हो, लेकिन मैंने एक अपना दैनिक अखबार में पढ़ा दो चार दिन पहले कि वो स्वर्ग में गया। तो उसने तो सोचा था कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा मैं हर बात को सिद्ध करता हूँ, हर बात को ये कर देता हूँ, ये धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा, हम इतने, हम ऐसे, आप ऐसे, ये सब वो कर देते हैं, खंडन मंडन करते रहते हैं और हम इतने बड़े धार्मिक, तो वहाँ तो हमारा कितना स्वर्ग में सम्मान होगा। तो बहुत मनोरथ लेकर स्वर्ग गए, तो बहुत दरवाजे सब बड़े लोखंडी दरवाजे बंद थे बिल्कुल। उसको तो लगा कि मैं आया और कोई स्वागत वाला नहीं, मैंने कईयों को स्वर्ग का वादा किया था वो पहुंच गए कि नहीं, और मैं आया और कोई स्वागत करने वाला नहीं, क्या हुआ? तो बहुत धक्का दिया दरवाजे को, दरवाजा खुला, स्वर्ग का दरवाजा। एक घंटे के बाद उसने सोचा कि मेरी खबर यहां तक पहुंची नहीं लगती है कि मैं इतना बड़ा हूं कि कोई भी वस्तु को मंडन कर दूं, खंडन कर दूं, फला कर दूं, खबर नहीं पहुंची यहां। बहुत उसने कोशिश की। एक घंटे के बाद इस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की थी, वो खुली और बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाले, आंखों में भयंकर रोशनी, ऐसा एक आदमी ने बाहर सिर निकाला। तुम खटखटा रहे हो दरवाजा? बोले हाँ। मेरी कोई खबर यहां नहीं आई? अरे खबर की बात छोड़ो, आते हो कहां से? तो बोले पृथ्वी पर से आ रहा हूं, इतना बड़ा मैं सिद्ध करने वाला आदमी, इतना बड़ा मैं महिमावंत, यहां खबर नहीं? मेरे लिए तो द्वार खुला होना चाहिए, बंधन बार लगने चाहिए, रेड कारपेट लगनी चाहिए और मेरे स्वागत में तो फूलमाला है, और आपको खबर ही नहीं, हद है, आप लोग करते हैं क्या स्वर्ग में? डांटने लगा। उसने लगा महाशय ठीक है, आपको बुरा लगा, समय पर आपका सम्मान नहीं हुआ, माफ करें, लेकिन आप आते हैं कहां से? बोले पृथ्वी पर से। बोले किस नंबर की पृथ्वी पर से आ रहे हैं? उसने कहा किस नंबर की पृथ्वी, इंडेक्स बताओ। उसने कहा बता तू किस नंबर की पृथ्वी से आ रहा? अरे बोले पृथ्वी कितनी? अरे बोले कोई पार नहीं पृथ्वी का, तू किस पृथ्वी से आता है तो कुछ पता लगे। चलो उसने कहा कि पृथ्वी तो हमारी तो एक ही पृथ्वी, उसमें मैं बड़ा, ऐसी तो कोई पृथ्वी तो। बोले किस सौर मंडल से आ रहा है तो बता। बोले सौर मंडल भी अनंत है, कहां किस? तो बोले तेरा नाम तो यहां है ही नहीं, तेरी पृथ्वी का नाम बता तो शायद कहीं कुछ मिल जाए, या तो सौर मंडल का नाम बता, वरना जाओ, तेरी गिनती नहीं है, इस अस्तित्व में हम कौन है साहब। लेकिन मन मोदक से जीवन निर्वाह कर लेते हैं, कौन क्या सिद्ध करना, जीवन प्यारा मिला है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, हरि नाम गालो मेरे बहन, प्रभु के नाम ले लो, बाकी कौन संघर्ष में क्या सिद्ध करना है। तो बाप आओ हम 9 दिन तक मानस सारनाथ को आंख मानस की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। रामचरितमानस की कथा मूल में तो है, और कथा के पहले दिन एक पावन प्रवाही परंपरा सी है कि कथा की महिमा का गायन हो, महात्मा जिसको कहते हैं। तो अब मानस की महिमा क्या गाना कौन गा सकता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत आए, तो केवल वाणी पवित्र करने का विनम्र प्रयास होता है। फिर भी रामचरितमानस के 7 सोपान आप सब जानते हैं, बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका और उत्तर, इनमें विधविद पात्र विधविद प्रसंग सरस प्रसंग रसमयी कथानक अद्भुत प्रभु की लीला, उसका भी जितना हो सके हम रसपान करते जाएंगे आगे आगे। तो ये 7 सोपान वाला ये शास्त्र भगवान बुद्ध का एक एक ग्रंथ
हृदय सूत्र, हृदय सूत्र पर जो उसका नाम दिया गया, किसी ने जिस नाम दिया हो जिस, लेकिन हृदय सूत्र सारिपुत्र के सामने जो सारभूत बातें बताई हैं, सारिपुत्र के सामने हृदय सूत्र के माध्यम से साहब, इनमें मूल सात ही बात है, सात में पूरा सार आ जाता है। वैसे रामचरितमानस में भी सात सोपान है, उसमें सम्मत सब ही की सब बातें उसमें समाहित हो जाती। बालकांड का सार है निर्दोषता, अयोध्या कांड का सार है युवानी में बलिदान, ये अयोध्या कांड का सार है। अरण्य कांड का सार है संत न हो सके तो कोई बात नहीं, संत संग करना सीखे, ये अरण्य कांड का सार है। किष्किंधा कांड का सार है सबसे बुद्ध भगवान कहते हैं उसी तरह की मैत्री करो। सुंदर कांड का सार है अनावश्यक चीजों को खत्म करें, आवश्यक चीजों की प्रतिष्ठा करें, ये सुंदर कांड का सार है। लंका कांड का सार है, वैसे तो युद्ध का कांड है लेकिन ये उस काल की कथा है। अब समय बदला है, अब तो हम सबको युद्ध कांड में नहीं जीना चाहिए, बुद्ध कांड में जीना चाहिए, बुद्ध की सृष्टि में, बुद्ध की जो प्रैक्टिकल जो बाबा ने कहा, इनके जो सूत्र, कोई भी पूर्वग्रह से न माने तो उसको कौन बात गले में उतारे, बाकी बहुत प्रासंगिक चलते हैं भगवान बुद्ध देश काल के अनुसार। बाकी तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को सब अपनी अपनी दृष्टि से सब देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन बुद्धम शरण मुझे तो ये, मैं तो कीर्तन करवाता ही रहता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरा तो ये बहुत। तो युद्ध से भी अबुद्ध होना न सीखे, बुद्ध होना सीखे, वो लंका कांड का सार है। रामचरितमानस में देखो अबुद्ध शब्द है, अबुद्ध कुटुंब जिमी धन हीना, अबुद्ध शब्द आपको मिलेगा मानस में। बुद्ध शब्द तो 24-25 बार आपको मिलेगा, बुद्ध नहीं, बुद्ध, बुद्ध यानी विद्वान पंडित अच्छे जानकार आदमी, जिसके लिए बुद्ध, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरी आदि आदि बहुत बार आपको मिलेगा, भूल चुकले भी देवी, लेकिन आपको मिलेगा बुद्ध शब्द, अबुद्ध बुद्ध। बहुत अच्छे शब्द मिलेंगे, क्रुद्ध शब्द मिलेगा, गुस्सा, युद्ध कांड तो पूरा है ही, युद्ध शब्द मिलेगा। हम इन सब को पार करते करते युद्ध कांड से, एक कलयुग है, 21वीं सदी है, युवान लोगों की सत्संग में रुचियां बढ़ी हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि संघर्ष से भी हम बुद्ध होना सीखे। युद्ध के कांड का सार बुद्ध कांड, बुद्ध हुए, बुद्ध होने की प्रक्रिया हमारे भीतर चले, ये उसका सार माना जाए। विजय विवेक विभूति की चर्चा युद्ध कांड में आई है, उसके सार बहुत बात बात में कि ये कांड का, ये सोपान का, उसको विजय विवेक विभूति ये सब मिलेगी। जो विजय विश्राम न दे वो विजय कौन काम का, जो विभूति जो ऐश्वर्य जो संपदा शांति से खाने न दे पीने न दे सोने न दे। हमारे स्वामी जी है ना सच्चिदानंद जी महाराज पेटला दंताली वाले स्वामी जी ने एक और ग्रंथ मुझे किसी के साथ दिया, कोई मुझे दे गया भागवत चिंतन, एक नया नया पुस्तक उसका आया भागवत चिंतन, बहुत सार सार बातें उसने, बहुत अच्छी लगी, बहुत सरल पड़ती है बातें तो अच्छा लगता है। उसने कहा कि वास कितने प्रकार के होते हैं संसार में, जैसे आज हम 9 दिन के लिए सारनाथ में वास करेंगे, कई लोग बनारस काशी में जीवन पर्यंत निवास करते हैं, गंगा और विश्वनाथ को छोड़ते नहीं, काशी वास करते हैं, कोई कल्पवास करते हैं प्रयाग में वास। तो स्वामी जी बताएं कि एक होता है गेहवास, गेह यानी घर, घर में वास, जन्मे घर में जीवे भी घर में मर जाए भी घर में, और कुछ देखा न कुछ किया कुछ पाया, बस
घर में पैदा हुआ, घर में जिया और घर में मर गया, बात खत्म। बड़ी बड़ी बातें की बस घर में बैठे बैठे और कुछ नहीं। दूसरा वास आपने बताया कि दूसरा वास होता है प्रासाद वास, बड़े बड़े महलों में रहना, जहां राग द्वेष की अग्नि होती है, संघर्ष होता है, वैर वृत्ति होते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द आता है गुजराती में तो खास बोलते हैं, सब भाषा में बोलते वैरजेर। भाई वैरजेर छोड़ो, ये वैर है ना, ये जहर छे, बीजू कोई जहर छे ज नहीं, वैर ही जहर। अभी कहा जाता था ना कि वैर से वैर कभी शमेगा नहीं, भगवान बुद्ध का ही मंत्रमय वाक्य है, वैर से वैर कभी नहीं। तो प्रासाद वास, फिर आपने अभी भी मैं कल देख रहा था, फिर एक वनवास, कई लोगों का वनवास होता है, जैसे पांडवों को हुआ, भगवान राम जी को जाना पड़ा, और तीसरी अवस्था में आदमी वानप्रस्थी हो जाता है, वन में जाकर तीर्थों में रहता है, वो भी वनवास। और कईयों को गवर्नमेंट के डर से वन में रहना पड़ता है, वो भी वनवास। वहाँ रह रह करके वो अपना वो करता रहता है, तो वो भी एक वनवास माना जाता है। ऐसे सब उसने पृथक्करण वर्गीकरण किया, तो अच्छा लगा वनवास होता है। और फिर उसने लिखा, एक होता है कारावास, जो आजकल कई लोग हैं कारावास, एक ये वास होता है। फिर स्वामी जी कहते हैं बुद्ध आदि, बुद्ध भगवान का नाम लेकर कहा कि बुद्ध भिक्षुओं ने कंदरा वास किया, गुफाओं में वास किया, जहाँ तहाँ गुफाओं बनाई। गुफाएं हमारे वीरपुर, तब वीरपुर के पास गांव है, वहाँ बौद्धकालीन गुफाएं आप देखना कितने साफ। ये भिक्षु लोग घूमते 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 तलाजानो डूंगरों से, हमारी जो गुफाओं से बौद्धकालीन गुफाओं से, तलाजाना डूंगरा में बौद्धकालीन भी, हमारे हाणानो डूंगर से बौद्धकालीन गुफा, नरोत्तम बापू आपड़ो ये बधु तपास करी करी इतिहास को, हाणानो डूंगर जहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरे माँ का गांव रहा, तो मैं वहाँ वो जिसको आप नाना कहते, माँ के बाप को नाना कहते हम दादा कहते, उसके साथ वो गाय भैंस चराने जाते हम उनके साथ, तो इन गुफाओं में बचपन में घूमने का अवसर, कंदरावास जिसको कहते हैं, गुफा में वास। तो मेरे भाई बहन, कोई प्रासाद में वास मिल जाए, कोई ऐश्वर्य मिल जाए, कोई विजय मिल जाए और शांति न मिले, तो लंका कांड का सार विजय विवेक विभूति तुलसीदास जी समझाते हैं कि विश्राम न हो तो विजय हो, और विश्रांति नहीं तो क्या करें। बुद्धत्व थोड़ा बहुत, जितने व्यक्ति के जीवन में बुद्धपना धीरे धीरे अभूतपना जाए और बुद्धपना आए, ये लंका कांड का सार है, उत्तर कांड का सार निर्वाण है। भगवान सारंगनाथ की नगरी है, भगवान विश्वनाथ बैठा है, एक दो बंद उसके। नमामि पालम गुनागार सं
जानामि योगं जपं नैव पूरा ततो सदा सर्वदा कांड का सार है निर्वाण। तो सात सोपान कई अर्थों में हम सबको मार्गदर्शन देता है। ऐसी सप्त सोपान वाली रामचरितमानस की ये राम कथा आज से करुणामूर्ति बुद्ध की करुणा से, भगवान बुद्ध की करुणा से शुरू हो रही है, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आज की कथा को मैं विराम दूं, इससे पूर्व थोड़ा सा क्रम निर्वाह कर लूं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीशो सुमिरत सिद्धि होइ गणनायक करि वर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदन कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मिय दृगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन चरित भव। गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की, जैसे हमारे परम पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि गोस्वामी जी चाहते तो संस्कृत में अद्भुत रचना कर सकते थे, फिर भी उसने लोक बोली में ग्राम्य गिरा में इस शास्त्र को उतारा और दोहे छंद सौरठे चौपाइयों में गुरु वंदना की। ऐसे सबकी वंदना करते करते हनुमान जी की वंदना की। महावीर बिनवहु हनुमान राम जासु जसु आपु बखान प्रणवहु पवन कुमार खरवन पाप ज्ञान घन जासु आगर बसैयां सरचार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। तो गुरु वंदना से फिर बहुत बीच में वंदनाएं आती हैं और आखिर में हनुमान जी की वंदना, फिर राम नाम महाराज की वंदना। तो हनुमान जी की वंदना के साथ आज की कथा को मैं यहाँ विराम देने की ओर जाऊं। इससे पहले कुछ दो पांच मिनट बस, ज्यादा नहीं, लेकिन
भगवान बुद्ध का संकीर्तन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हरि बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, महावीर स्वामी अंतर्यामी, हरि बोल, 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 अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, गुरुवाय 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 गुरुवा
गुरु वाहे 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 वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे हरि शरणम 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 राधे बोल 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 राधे उद्धम शरणं गच्छामि 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 धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि उद्धम शरणं गच्छामि हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हे हरे राम 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 सीता राम 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 हे हरे राम राम नौ दिवसीय राम कथा के प्रथम दिन की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। कल से अब रोजाना सुबह कथा होगी, 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा, 1 बजे के आसपास कथा विराम लेगी। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर मिलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिए राम।
भगवान प्रिय हो श्री बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सदगुरु भगवान प्रिय हो ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव तारक भयो में तब दर्शन करा आय सुदेव सुकरम अब प्रभु आयो के काज सदा कृतार्थ रूप तुम्हा कह मृदु वचन खगेश जेके अस्तुति सादर कारण आयो परम पावन तब गयो अब श्री राम कथा सदा सादर का सुना बहु बार बार गर्म के गिरा भयो का सुमन परम रघुपति अनुराग भगवान राम चल गए उन नारद कर मोह पारा रावण प्रभु अवतार कथा बाल चरित कही विविध ऋषिया गवन कहे सुनी श्री रघुवीर बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुन नृप वचन राज रसवन सुन कर विरह विषादा गय श्री राम लक्ष्मण संगा विपिन गवन केवल अनुरागा सुन सर निवास वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट दिन बस भगवान सचिवा गवन नगर नृप मरना भरत गवन प्रेम बहुवा कर नृप क्रिया संग पुर बासे भरत भय जहाँ प्रभु रघुपति बहुविधि समझाए लय भरत रहन सुरपति सुत करनी विराज बज जी देहत जी सर्वं बरनी सुते क्षण प्रीति कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनते गाय प्रभु पंचवटी कृतवा सा बंदी सकल मिलते लक्ष्मण उपदेश अनुपासु कर दूषण बज बौरी भगवान दस कंदर मारिच मत कही जय माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विराज प्रभु गीत प्रिया जी सबरी गति भवरी विरह वर्णत रघुवीरा जय प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग मुनि सुग्रीव मिताई बाणी प्रांतर कपीत कर प्रभु कैल प्रवर्तन वास वर्णन वर्षा शरत धरु राम रोष जय विधि कभी पति की सपट हाय सीता खोज कर दिसि विवर प्रवेश कीन जे बाते कपिन बहोर विलास श्री सब कथा समीर तुम्हारा ना सहन करे तुम चार बुमीरा उतरे जाए पार मेरा बुनी संगे बिरियाँ सागर में ते तो बांध कब सेन जिनी उतरे सागर पार गयो बसिकी बीर पर जल्दी बार कुमार निश्चर की सलरार वर्ण से विविध प्रकार कुंभकरण गणनाद कर पौर संभार चरण कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर भक्त रावण बद मंदोदर सोपा राज विभीषण देव सीता रघुपति मिलन बहोरी चरि कपिन समेता अवध करे ब्रह्मपाल विधि राम नगर निज राम वाय चरित सब कैसे बहोरी राम अभिषेक पुरबर नीति समस्त सुन्न जो मैं सुन कही भगवान सवर
राम कथा करुणा हम कहत चंदन परम देव मोर संदेह सुनऊ सकल रघु भक्तन भयो राम पद नेह तव पद वाय स्थिर भागु सुंदी जी महाराज आरती श्री ललित सिंह आरती गावत ब्रह्मा बाल Yeah.